गुड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सारे लोगों का आज के इस 3 बजे के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि मोदी केयर की SPBM टीम प्रतिदिन 3 बजे नए नए टॉपिक्स के साथ आती है और नई नई बातों को बताने की कोशिश करती है। इसका पर्पस बस एक ही है कि आप अपने सपनों को जल्द से जल्द पूरा कर सके, जो सपने आपने मोदी केयर के साथ जोड़े हैं। दोस्तों, आज का जो ये सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और इसमें हम लोग बात करेंगे, अगर आपने मोदी केयर ज्वाइन कर लिया है या करने को सोच रहे हैं तो कैसे इसकी शुरुआत करें। ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत काम का सेशन है। जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए ये शुरुआत करने का रास्ता बताएगा कैसे काम करना है, और जो नए लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसमें हमें बहुत सारी बातों के बारे में पता चलेगा। दोस्तों, इसको बताने के लिए मैं कुमार आर्यदेव, मोदी केयर ट्रेनर, आपके साथ हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि मोदी केयर में अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को पूरा करना चाहते हैं, सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो ऐसे कौन से 10 कदम हमें उठाने चाहिए जो कि हमें सक्सेस की ओर तुरंत ले जाए। अगर आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं तो हम लोग भी आपके साथ 2 कदम उठाने को तैयार हैं। दोस्तों, ये 10 कदम जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो 10 कदम समझिए मोबाइल के एक 10 डिजिट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से जब तक आप 10 डिजिट को डायल नहीं करेंगे, नंबर कहीं लगेगा नहीं, कहीं कनेक्ट नहीं होगा। अगर नंबर ऊपर नीचे है तो गलत जगह कनेक्ट हो जाएगा, ये सारी संभावनाएं बन जाती हैं। इसी तरह ये 10 स्टेप जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, जो आपको अपनी आजादी की ओर ले जाएगा, सपनों की आजादी को पूरा करने के लिए, ये 10 स्टेप आपको 1 by 1 फॉलो करने हैं, जैसे कि इसमें लिखा है। और उसमें करना क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इसे न करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके सपने पूरे नहीं होंगे, लेकिन हाँ, हो सकता है कि रास्ते हम भटक सके भटक जाए और हो सकता है कि मंजिल मिलने में थोड़ी देर हो जाए। तो इन जो 10 रास्तों के बारे में हम बात करेंगे, ये बहुत ही प्रूव्ड रास्ते हैं, स्टेप्स हैं, जिसको अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो जितने भी लोगों ने मोदी केयर में आज सफलता पाई है, इन 10 कदमों को पूरा करके ही पाई है। तो आइए पहले कदम के बारे में बात करते हैं। पहला है सपोर्ट चार्ट, दूसरा है गोल सेटिंग, तीसरा है प्रोस्पेक्ट लिस्टिंग, तीसरा चौथा अगर बात करूं तो सेल्फ यूज है, पांचवा शेयर है, छठा स्पॉन्सर है, सातवां स्ट्रक्चर है, आठवां रोल मॉडल है, नौवां पर्सनल प्रोग्रेस है और 10वां डुप्लीकेशन है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अभी आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी क्योंकि आप नए हैं सिस्टम में, हाल में ही मोदी केयर ज्वाइन किया है, आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं चल रही होंगी। तो इस चीज को मैं एलोबरेट कर पॉइंट बाई पॉइंट मैं आपके सामने बताऊंगा, ताकि उस काम को जो आप कर रहे हैं और अच्छे से कर पाए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको तुरंत शुरू कर पाए। तो पहला है सपोर्ट चार्ट। देखिए, इस सपोर्ट चार्ट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक तरह से कह सकते हैं, माफ कीजिए, 3-in-1 सपोर्ट चार्ट है, जिसमें आप हैं, आपकी अपलाइन है और कंपनी है, और यहाँ पर कुछ आपको फॉर्मेट नजर आ रहे होंगे। यहाँ योर स्पॉन्सर, उनका नाम, उनका फोन नंबर, डायरेक्टर, उनका नाम, उनका फोन नंबर, ये सारा कुछ यहाँ पर टिल योर अपलाइन, जो सीनियर अपलाइन, जहां तक आप जानते हैं लोगों का नाम यहाँ लिख सकते हैं और यहाँ इनका फोन नंबर लिख सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं, आजादी कॉल सेंटर का नंबर ऑलरेडी डाला है, नियरेस्ट MLC, नियरेस्ट DP और बहुत सारे इंफॉर्मेशन के लिए जो हमारा IVRS नंबर होता है वो यहाँ पर है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? दोस्तों, होता यह है कि नए में जब भी आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो आपको किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जनरली वो हमारा पहला सपोर्ट होता है, हमारे जस्ट स्पॉन्सर जो होते हैं, और हम उनके साथ ही हर एक जगह जाते हैं। लेकिन स्पॉन्सर भी एक इंसान है, एक मनुष्य है, और उसके पास भी टाइम लिमिट्स है। तो वैसी स्थिति में हो सकता है जब आपको बहुत जरूरत हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल पर जाना हो, उस समय आपका स्पॉन्सर आपके साथ अवेलेबल ना हो और आपका बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग गड़बड़ा जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो वैसी स्थिति में अपने आप को, अगर हम चाहें कि कॉन्फिडेंस लाना, अपने में मोराल बूस्टअप करना, ये सारा चीज अगर हम चाहते हैं कि मैं खुद ये काम को करूं,
तो ये सपोर्ट चैट हमें मदद करेगा। आप अपने अपलाइन को फोन कर आप उनसे उस समस्या के बारे में पूछ सकते हैं, जानकारियां ले सकते हैं जो आप नहीं दे पा रहे हैं अकेले में। मान के चलिए आपके जो जस्ट स्पॉन्सर हैं वो उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो आपके डायरेक्टर मिल जाएंगे, उनको फोन किया, उनसे बात किया, वो भी फोन नहीं उठा पा रहे हैं, बिजी हैं, सीनियर डायरेक्टर को उठाया। टिल योर अपलाइन, जो आपके मैक्सिमम अपलाइन जिनको आप जानते हैं, जिनका फोन नंबर अवेलेबल है, आप उनको फोन करके आप उनसे सहायता सपोर्ट ले सकते हैं। कुछ नहीं तो आप आजादी कॉल सेंटर में कॉल कर सकते हैं, नियरेस्ट MLC MSC में कर सकते हैं, और साथ ही साथ नियरेस्ट DP को भी कर सकते हैं। सेंस कहने का यह है, मतलब ये है कि पहले आप एक व्यक्ति के साथ जा रहे थे, अब आप एक व्यक्ति के साथ नहीं जाकर बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप अपने कामों को और बेहतरीन तरीके से कर पाइएगा, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रह पाइएगा, और डिपेंडेंट रहना भी नहीं चाहिए। यह आपके मोरल सपोर्ट को बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा। जो मार्केट में क्वेश्चंस आते हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसका आप सही सही जवाब दे पाइएगा, और जो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगी, मैक्सिमम आप वर्क कर पाइएगा। दोस्तों, ये अगर सपोर्ट चार्ट हमारे पास नहीं हो तो हमारा वर्क कम होगा, काम कम होगा, क्योंकि हम किसी पर डिपेंडेंट रहेंगे। ये वर्क चार्ट हमें इंडिपेंडेंट बनाता है। इसलिए आप सारे लोगों के पास ऐसा एक चार्ट होना चाहिए, आपके डायरी में होना चाहिए, पहले पन्ने पर होना चाहिए, ताकि आपको जब भी जरूरत पड़े आप इसका रेफरेंस लेकर आप उनको कॉल कर सके। दूसरा है होप टू फ्रीडम, यानी कि अगर मैं बात करूं गोल सेटिंग, दोस्तों गोल सेटिंग के बारे में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, अलग अलग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, मोदी केयर को भी ज्वाइन करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। क्या सारे लोगों का सपना पूरा हो जाता है जिन्होंने सपना देखा है? मोदी केयर में बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ का चैरिटी सपना होता है, किसी का वर्क लाइफ बैलेंस सपना होता है, किसी का ड्रीम होता है कि मेरा बड़ा सा घर हो, किसी का ड्रीम होता है बड़ी सी गाड़ी हो, किसी का विदेश टूर, क्वालिटी टाइम विद फैमिली, बहुत सारी चीजें, सबके अपने अपने सपने होते हैं। क्या ये हो पाता है, सब लोग अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं? क्वेश्चन ये उठता है, इसका जवाब आपके पास है, और वो ये है, नहीं, सारे लोगों का सपना पूरा नहीं हो पाता है। इसके पीछे वजह क्या है, क्यों नहीं हो पाता है, और क्यों कुछ लोगों का हो जाता है? इसके पीछे बहुत बड़ा वजह होता है हमारी गोल सेटिंग। दोस्तों, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं, और गोल सेटिंग अगर आप कर लेंगे तो वो सपने आपको सोने नहीं देंगे। गोल सेटिंग थोड़ा टेक्निकल वर्ड लग रहा है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि गोल सेटिंग में हमें करना क्या है। मान के चलिए आपने मोदी केयर ज्वाइन किया, आपका सपना है कि एक बड़ी सी गाड़ी आपके पास होनी चाहिए, और इसी सपने को देखकर आपने मोदी केयर में काम करना शुरू किया। अब आपको उसको थोड़ा स्पेसिफिक करना पड़ेगा, थोड़ा मेजरेबल करना पड़ेगा, थोड़ा एक्शनेबल में लाना पड़ेगा, थोड़ा रियलिस्टिक करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम बाउंड में लाना पड़ेगा। मतलब ये है कि सपने को गोल सेटिंग बदलना पड़ेगा, और गोल सेटिंग कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने अभी एलोबरेट किया। अब आपको एक कार खरीदनी है, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कहाँ कहाँ समस्याएं आती है और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं थ्रू गोल सेटिंग, और वो भी स्मार्ट गोल सेटिंग, ऑनली सिर्फ गोल सेटिंग नहीं कहूंगा, स्मार्ट गोल सेटिंग। अब स्पेसिफिक की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां कार बनाती हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, बहुत सारे कलर के कार आते हैं, बहुत सारे मॉडल के कार आते हैं, बहुत सारे सीट्स होते हैं, 5 सीटर भी आते हैं, 7 सीटर भी आते हैं, बहुत सारे होते हैं, 2 सीटर भी कार आते हैं। अब सवाल ये उठता है, आपको कौन सी कार चाहिए? क्या आपने उस कार को अपनी आंखों से देखा है, जागते आंखों से देखा है? कार व्हाइट कलर की होनी चाहिए, XYZ कंपनी की होनी चाहिए, X मॉडल होनी चाहिए, ये कार के अंदर ये सारी चीजें लगी होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक। कार चाहिए ये हमारा सपना हो सकता है, लेकिन गोल सेटिंग नहीं हो सकता है, ऐसे में कार नहीं आएगी। हमें स्पेसिफिक करना पड़ेगा किस कंपनी की, किस मॉडल की, किस कलर की, वो सारी कुछ बातें स्पेसिफिकली हमें जाननी होगी। देन मेजरेबल,
मिजरेबल का मतलब यह है कि हम सारे लोग जानते हैं कार आपको 3-4 लाखों में, लाख में भी मिल जाता है, और करोड़ 2 करोड़ों में भी मिलता है। कितनी की कार चाहिए? 4 लाख वाली कार चाहिए, 6 लाख वाली कार चाहिए, 10 लाख वाली कार चाहिए, और 1 करोड़ वाली कार चाहिए। अब डिपेंड ये करता है, जो भी आप अपना गोल बनाएंगे अकॉर्डिंगली आपको एक्शनेबल करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर 10 लाख की कार लेनी है उसका एक्शनेबल अलग होगा, और अगर 1 करोड़ की कार लेनी है उसका एक्शनेबल अलग होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो मैं कार ले रहा हूं उसका प्राइस क्या है, और इसके लिए मैं कितना समय देने के लिए तैयार हूं। साथ ही साथ रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब ये होता है कि जो आप सपना देख रहे हैं और उसको गोल सेटिंग में डाल रहे हैं, ये आपके पहुंच से बाहर तो होना ही चाहिए, आपके लिमिट्स के बाहर तो होना ही चाहिए, लेकिन इतना भी बाहर नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ सपने में रह जाए, गोल सेटिंग ना हो पाए। जो एक इंसान कर ले रहा है और हमसे नहीं हो पा रहा है, उसको आप सपनों में डाल सकते हैं, गोल सेटिंग में डाल सकते हैं। उसके अलावा टाइम बाउंड, कितने दिनों में, ये भी बहुत जरूरी होता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कब तक आप इस कार को चाहते हैं, आपके घर के दरवाजे पर लगी रहे, ये कब तक आप चाहते हैं। इसी तरह से आपको स्मार्ट गोल सेटिंग करनी है अपनी कार की। अगर आपको एक फ्लैट खरीदना है उसकी भी इसी तरह स्मार्ट गोल सेटिंग होगी। अगर आपको विदेश घूमने जाना है इसकी भी वैसे ही स्मार्ट गोल सेटिंग होगी। अगर आप अपने बच्चे को विदेश में पढ़ने भेजना चाहते हैं उसकी भी इसी तरह से स्मार्ट गोल सेटिंग होनी चाहिए। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कम से कम 3 ऐसे गोल सेटिंग्स को अपने यहाँ पर लिखने की कोशिश करें। एक अपने गोल को यहाँ लिखे, उसका डेट दे करीब 6 महीने का, एक मिड टर्म का कर ले करीब 2 साल का टाइम दे दे, और एक लॉन्ग टर्म जिसमें 5 साल का आप इसमें समय दे। टाइम टू टाइम इसे रिव्यू भी करते रहना है, रिव्यू करते रहना है, और इसमें थोड़ा बहुत अगर बदलाव की जरूरत पड़ती है तो वो भी करते रहने की जरूरत है। तो आपका सपना जरूर पूरा होगा अगर आपने सही गोल सेटिंग किया है। सपने उनके ही पूरे नहीं होते हैं जिन्होंने अपने सपनों का गोल सेटिंग नहीं किया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में देखेंगे, और वो है हमारा प्रोस्पेक्ट लिस्ट। दोस्तों, हम घर में कोई भी इम्पॉर्टेंट काम करते हैं, कोई भी इम्पॉर्टेंट काम करते हैं तो एक लिस्ट जरूर बनाते हैं। घर में अगर किसी का बर्थडे हो रहा है, घर में अगर किसी की शादी हो रही है, घर में अगर कोई फंक्शन हो रहा है, एक लिस्ट बनाते हैं अपने गेस्ट्स का। कौन कौन से गेस्ट आने वाले हैं, किनको किनको कॉल करना है, कितने लोग आएंगे, ये हमारे हमें पहले से पता रहता है। लेकिन क्या इस बिजनेस में हमने ज्वाइन किया है तो हमने एक लिस्ट बनाया है प्रोस्पेक्ट का? नहीं बनाया है तो आज ही बनाए। इसका एक सिंपल फार्मूला मैं आपको दे दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स का नाम लिखिए, कुछ रिलेटिव्स का नाम लिखिए, कुछ इंडस्ट्रीज के लोगों का नाम लिखिए, कुछ कॉन्टैक्ट्स फेसबुक के हैं उनका नाम लिखिए, कुछ नेबर्स का, कुछ डायरेक्टरी में फोन नंबर में, और कुछ फ्रेंड्स का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये नाम लिखेंगे, मान के चलिए कि आप 10-10 नाम ही सारा लिखते हैं, तो आपके पास 70 names आपके पास आ जाएंगे। तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि मुझे 70 लोगों से मिलना है और उसके बाद कुछ डिसीजन लेना है, ये बिजनेस में कितना फायदा है। लेकिन अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे और किसी से मिल नहीं रहे, या आप 1-2 लोगों से मिलते हैं और आपके पास कोई लिस्ट नहीं है, तो 2-3 लोगों के मिलने के बाद ही आप थोड़े थके थके महसूस करेंगे। आपको लगेगा मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊं, किससे बातें करूं, समझ में नहीं आएगा आपको कि अगला स्टेप कौन सा लें। आपको लगेगा सारा कुछ खत्म हो गया, सारे लोगों से मैंने मिल लिया। लेकिन अगर ये लिस्ट आपके पास रहेगा तो ये हमेशा आपका ओपन रहेगा और हमेशा आप नए नए लोगों से मिलते रहेंगे। और ये लिस्ट हमेशा भरी होनी चाहिए। मतलब ये है कि 70 लोगों से मिला, फिर 70 लोगों का नाम हमारे पास आ जाना चाहिए रेफरेंस के थ्रू। ऐसे अगर हम करते हैं तो हमारा काम बहुत अच्छे से होता है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट जब बनाते हैं तो इन सब चीजों का भी ध्यान दें कि अगर हम जिनसे मिल रहे हैं क्या उनके कमेंट्स को कहीं नोट डाउन कर रहे हैं, जिस तारीख को मिल रहे हैं, जिस डेट को मिल रहे हैं वो डेट हम कहीं मेंशन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इन चीजों को नहीं करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि सिंपल, आज मैंने ज्वाइन किया मोदी केयर और मैं कल 5 लोगों से मिलता हूं,
कुछ जरूरी नहीं है कि पांच के पांच लोग कल ज्वाइन कर लें या मेरे प्रोडक्ट को ले लें। एक बोलेगा 2 दिन के बाद आने, एक बोलेगा अगले वीक आने, एक बोलेगा अगले संडे आने, और एक बोलेगा कि शाम में आने। कल मैंने 5 लोगों से मिला, फिर नेक्स्ट डे मैं 5 लोगों से मिलता हूँ, उन लोगों ने भी कुछ वैसा बता दिया। नाउ क्या होगा कुछ दिनों के बाद? कुछ दिनों के बाद सारा कुछ आपस में मिल जाएगा और मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाऊंगा, और कंफ्यूज हो जाने के बाद क्या होगा, मैं भूलने लगूंगा कि मुझे किसके यहाँ जाना था, क्या बातें की थी, उनका क्या डिमांड था, उनको मैंने प्रोडक्ट का डेमो दिखाया था, ज्वाइनिंग के बारे में बताया था, या प्रोडक्ट सेल करने के लिए बोला था। आप सारा कुछ भूल सकते हैं और ऐसे में आपका बहुत अच्छा लीड आपके हाथ से निकल सकता है, और ऐसे बहुत लोगों का हाथ से लीड निकल जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको फील्ड में मिलेंगे जो बोलेंगे, हाँ एक व्यक्ति आया था, उन्होंने कुछ बताया था, फिर दोबारा वो नजर नहीं आया। ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लीड, आपने मेहनत भी किया वहां पर, लेकिन चूंकि आप उसको कहीं मेंशन नहीं कर रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपके हाथ से निकल जा रहा है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो जिस डेट को वो बुला रहा है उस डेट को भी मेंशन करें, और उन्होंने क्या बोला, उनका क्या कंसर्न था वो भी लिखें, और एवरी डे डायरी को चेक करें, इस प्रोस्पेक्टस को चेक करें, ताकि आप अपडेट होते रहें, तो आपका सारा काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। चौथा है सेल्फ यूज। इस बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है सेल्फ यूज। आपने मोदीकेयर ज्वाइन किया और खुद प्रोडक्ट अगर यूज नहीं करेंगे तो आप दूसरों को बोल नहीं सकते हैं कि आप भी यूज करो। प्रोडक्ट को यूज करना बहुत जरूरी है, इससे आपको प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, प्रोडक्ट को आप समझ पाएंगे, प्रोडक्ट को आप महसूस कर पाएंगे, और प्रोडक्ट के बारे में आप बोल पाएंगे। ये बहुत जरूरी होता है कि प्रोडक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, आपको यूज कर। आपने किसी प्रोडक्ट को दिया किसी भी मार्केट में लोगों को, उसमें उसने कुछ ऑब्जेक्शंस लगा दिया, कुछ गड़बड़ बता दिया, आपने भी उस प्रोडक्ट को यूज नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट हटाने आ जाएंगे। अगर आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आप बता सकते हैं, नहीं ये इसका फीचर है, इसका ये फायदा होता है, आप इसको यूज करते रहें, ये ठीक हो जाएगा। तो ये चीजें आप तभी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्शंस को हैंडल तभी कर सकते हैं जब आपने खुद प्रोडक्ट को यूज किया है। और सबसे बड़ी बात कि हमें जो प्रोडक्ट मिलता है एज ए कंसल्टेंट, हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, हम जानते हैं हमें डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास पैसे की बचत भी होती है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करें, सारे प्रोडक्ट का धीरे धीरे हम यूज करना शुरू करें। स्टेप 5 एंड दैट इज शेयरिंग। हम सारे लोग जानते हैं कि बिजनेस को अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, बिजनेस को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप इस बिजनेस के बारे में दूसरों को बताएं। जब तक आप दूसरों को बताएंगे नहीं, तब तक ये बिजनेस बढ़ेगा कैसे? दूसरों को बताने के लिए दूसरों से मिलना पड़ेगा, उनसे बातें करनी पड़ेगी, और जब बातें करनी पड़ेगी तो उसके पहले उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेने का जो सबसे अच्छा तरीका आज के डेट में है वो ये है, फोन। फोन के थ्रू आप किसी का भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए घर पर जाने की जरूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए जब आप फोन करते हैं तो ट्राई कीजिए कि 3-way calling। 3-way calling का मतलब ये होता है कि आप अपने साथ एक ऐसे व्यक्ति को रखें जो कि सक्सेसफुल हो, इस एरिया में सक्सेसफुल हो। ये देखा गया है कि जब कोई सक्सेसफुल व्यक्ति आपके साथ रहता है तो जनरली सामने वाला व्यक्ति ना नहीं बोल पाता है, अपॉइंटमेंट मिलने में सुविधा होती है। ये बहुत जरूरी होता है कि आप 3-way calling करें और फोन पर अपॉइंटमेंट लेकर ही किसी से मिलने के लिए जाएं। अगर अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो प्रेजेंटेशन भी जरूरी होता है, 1-on-1 करें या होम मीटिंग में करें या परिवर्तन मीटिंग में लाएं, कहीं भी लाएं, लेकिन सेंस ये कहने का है कि उसे प्रेजेंटेशन दें जब उन्होंने टाइम दिया है तो, और उसके बाद उसका फॉलो अप भी जरूर करें। कोई जरूरी नहीं कि पहले दिन में ही कोई व्यक्ति ज्वाइन कर ले। हो सकता है बोले आपको अगले वीक में आने, हो सकता है आपको अगले महीने में आने, आप उनको यस बोले
और अपने डायरी में नोट कर ले, लेकिन कोशिश करें विद इन 48 आवर्स एक बार उनको रिमाइंड जरूर कर दें। डेटा बताता है कि 48 आवर्स के बाद बहुत सारी चीजें दिमाग से उतरने लगती है, लेकिन अगर आप रिमाइंड करते रहेंगे तो चीजें याद रहेंगी। ये प्रैक्टिस हमें बना के रखनी होगी। दोस्तों मान के चलिए कि आपने काफी प्रैक्टिस किया, काफी लोगों को फोन किया, बात भी किया, और हो सकता है उसके बाद उस कंसल्टेंट ने, उस कस्टमर ने आपको ना बोल दिया, ऐसा तो हो सकता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए जो आपको हमेशा मोटिवेशन देता रहेगा, SW5। ये SW5 क्या है, इसे याद रखेंगे ये हमेशा आपको मोटिवेशन देता रहेगा। Some will not, so what, start working, someone waiting। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कोई हाँ बोलेंगे कोई ना बोलेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप अपना काम करते रहो, कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। सारे लोग ज्वाइन नहीं कर लेंगे, सारे लोग ना भी नहीं बोलेंगे, हमारा काम है लोगों से मिलना और अपनी बातों को बताना, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति हमारा इंतजार कर रहा है। और इसके लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, नए नए लोगों से मिलना है, नए लोगों से बात करना है, तो जब भी आप सवेरे घर से निकले तो पॉकेट में 5 गोल्डन कॉइन्स रख लें। गोल्डन का मतलब ये सोना नहीं है, कोई भी 5 कॉइन रख ले अपने पास, और एक व्यक्ति से मिलते हैं तो एक कॉइन को एक पॉकेट से निकाल कर दूसरे पॉकेट में डालें, फिर दूसरे कॉइन को निकाल के दूसरे पॉकेट में डालें, ये करते रहें, और जब तक सारा कॉइन एक पॉकेट से निकल कर दूसरे पॉकेट में ना आ जाए, आप समझे कि आज का काम हुआ ही नहीं, अभी आज का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये आपको एक मंत्र है, एक ऐसा मंत्र है जो सक्सेसफुल मंत्र है, जो आपको बहुत आगे ले जाएगा। दोस्तों ये 2-3 चीजें आप हमेशा याद रखें, शेयरिंग करने में तो आपको बहुत फायदा होगा। स्टेप 6 के बारे में अगर मैं बात 5 में ही बात करूं, तो शेयरिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास टूल है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है हमारा माय मोदी केयर शॉप। इसको बताने के पहले मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आपने ऑनलाइन मार्केटिंग की होगी, आजकल तो ऑनलाइन मार्केटिंग की भरमार आ रही है। आप क्या करते हैं, किसी खास वेबसाइट पर जाते हैं, फिर उस वेबसाइट पर जाकर आप अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद कार्ट करते हैं, कार्ट करने के बाद पेमेंट करते हैं, और वो सामान आपके घर पहुंच जाता है, फिर आप सामान देख लेते हैं, उसको यूज करते हैं। यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस मोदी केयर में भी शुरू हो चुका है, माय मोदी केयर शॉप में। दोस्तों आज तक जो हम लोग प्रोडक्ट देते थे, अपने प्रोडक्ट को अपने शहर के लोगों को देते थे, अपने आसपास के लोगों को देते थे, दूसरे शहर में देना बहुत मुश्किल होता था। मैं अगर लखनऊ में हूँ तो मैं मुंबई किसी को प्रोडक्ट देना हो तो वो पॉसिबल नहीं था, मुंबई में हूँ दिल्ली में प्रोडक्ट देना है वो पॉसिबल नहीं है, जबकि मेरे रिलेटिव्स मेरे दोस्त पूरे इंडिया में हैं, कहीं ना कहीं हैं, तो वैसे स्थिति में प्रोडक्ट मैं दे नहीं पा रहा था। लेकिन इस ऐप की वजह से, इस मेथड की वजह से हम अपने बिजनेस को बहुत 4 गुना 5 गुना तेजी में बढ़ा सकते हैं। ये एक पर्सनलाइज आपका ओन डिजिटल शॉप हो जाएगा, माय मोदी केयर शॉप। आप एक बार में बहुत सारे लोगों को क्लिक करके अपने मैसेज को वहां पहुंचा सकते हैं, 10% तक MRP में आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं, आप चाहे तो 2%, आप चाहे तो 4%, आप चाहे तो 10% तक डिस्काउंट भी दे सकते हैं, कस्टमर भी खुश और आपके अकाउंट में जो आपको फायदा चाहिए वो भी आपके पास आ गया। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसका प्रोसेस कैसा है, तो सिंपल है, हमारा जो मोदी केयर का ऐप है उसमें आपको जाना है, वहां माय मोदी केयर शॉप नजर आता है, वहां पर जाकर एक पर्सनल अपना बना दीजिए सारा कुछ शॉप, अपना फोटो डाल लीजिए, अपना नाम डाल सकते हैं, अपना शॉप का नाम डाल सकते हैं, ये सारा कुछ कर लीजिए, और उसके बाद जिस व्यक्ति को सेंड करना है उसका फोन नंबर डाल दीजिए और उसे एक लिंक भेज दीजिए। सेंड करने का ऑप्शन आता है उस ऐप के थ्रू, आप उसको सेंड कर दीजिए, कस्टमर के पास वो एक लिंक आएगा, कस्टमर जब उसे खोलेगा तो उसे सारे प्रोडक्ट का वहां पर सेगमेंट नजर आएगा। अब जैसे उसे स्क्रीन में जाना है तो स्क्रीन को उसने क्लिक किया, जैसे ही वो क्लिक करेगा तो स्क्रीन के प्रोडक्ट नजर आने लगेंगे, जो आपने डिस्काउंट दिया वो यहाँ नजर आने लगेगा, और उसके बाद प्रोडक्ट को कार्ट करेंगे, कार्ट करने के बाद पेमेंट करेंगे, प्रोडक्ट उनके घर में पहुंच जाएगा और आपका फायदा आपके अकाउंट में आ जाएगा।
ये बहुत अच्छा प्रोसेस है शेयरिंग का, जिसे हम लोग यूज करना चाहिए। बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं और इसका फायदा ले रहे हैं। दोस्तों जब शेयर करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से जब बात करते हैं, तो लोग आपसे प्रभावित भी होते हैं, आपसे इंप्रेस्ड होते हैं और साथ में काम भी करना चाहते हैं। तो वैसी स्थिति में उनको स्पॉन्सर करने की भी जिम्मेवारी हमारी ही होती है। आप उनका KYC करवाएं, उनका NFT डिटेल डलवाएं, पैन डिटेल डलवाएं, सारा कुछ, ये गवर्नमेंट का नियम है, गवर्नमेंट का नियम ये करना होता है। और पहला बिलिंग करवाएं, लॉयल्टी प्रोग्राम को अवेल करवाना बताएं, क्या फायदे है वो बताएं, मीटिंग में इनवाइट करें, शुरुआत मीटिंग जैसे अभी हो रही है, ताकि उनको भी पता चले कि हमें कौन से 10 इंपॉर्टेंट कदम उठाने हैं, और साथ ही साथ उनको थोड़ा लीड करें ताकि वो अपने कदम को अच्छे से बढ़ा सके। स्पॉन्सरिंग करना बहुत जरूरी है। जब भी आप स्पॉन्सरिंग करेंगे अपनी टीम में, जब लोगों को लाएंगे, तो ध्यान देंगे कि जो लोग आपकी टीम में आ रहे हैं, वो उनका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, लोगों का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो थोड़ा फैला हुआ होना चाहिए और डेप्थ भी होना चाहिए, यानी कि विड्थ एंड डेप्थ दोनों होना चाहिए। जनरली क्या करते हैं लोग कि जो स्ट्रक्चर लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, अपने साथ जुड़ते हैं, तो वो लोग एक के नीचे आ जाते हैं, तो इसमें आपकी इनकम अच्छी नहीं बनेगी। कुछ लोग सिर्फ विड्थ पर काम करते हैं तो उनकी भी इनकम अच्छी नहीं बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा पैसा यहाँ से अपने सपनों को पूरा करें, विड्थ एंड डेप्थ दोनों पर काम करना पड़ेगा, तभी आपकी इनकम, हाई इनकम आपको मिल पाएगी। दोस्तों कुछ एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ कि किसी व्यक्ति ने पहले महीने ज्वाइन किया और इसने अपना जो इम्पोर्टेंट है 60 पर्सनल PV इसने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लोगों को ये करना है, अपने ID पर 60 PV का प्रोडक्ट परचेज करना है, और जिस समय आपने ये 60 कर लिया, आप कंसल्टेंट 5% हो गए, पहले महीने में ही हो गए। अब आपको सिर्फ इतने के बाद क्या फायदा मिल जाएगा, इतना सारा फायदा मिलेगा, 5 फायदे हैं। 60 PV का प्रोडक्ट लिया, अपने ID पर 5% कंसल्टेंट हो गए, और आप ये 5 फायदे उठा सकते हैं। पहला, रिटेल प्रॉफिट। अगर आप चाहते हैं उस प्रोडक्ट को सेल करना, तो आप रिटेल प्रॉफिट 20% तक ले सकते हैं। दूसरा, समीर बोधी सुपर बोनस, 3% बीवी पुल के आप एक पार्ट बन जाइएगा, आपको उसका फायदा मिलेगा। परफॉर्मेंस बोनस 5% आ जाएगा आपको, क्योंकि आप 5% पर हैं, 5% 81 रुपीज लगभग आ जाएगा इसका। आपको लॉयल्टी प्रोग्राम का फायदा मिलेगा, लगभग 450 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। न्यू ज्वाइनी रिपर्चेज प्रोग्राम करीब 300 रुपये का मिल जाएगा। और जो हमारा एक लकी ड्रॉ होता है, 10 के पहले अगर हमने 60 PV का प्रोडक्ट लिया तो हमें 2000 रुपये तक का, 2400 रुपये तक का कह सकते हैं, MRP तक का प्रोडक्ट भी हमें मिल सकता है। इसके बारे में डिटेल्स में आपको अपलाइन ने आपके बताया होगा। तो ये सारे फायदे हमें मिल सकते हैं Day 1 से, यानी फर्स्ट मंथ से मिल सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, 60 पर्सनल PV करना है। अब मैं बात करूंगा कि विड्थ एंड डेप्थ की, क्योंकि अगले महीने के बाद आपको थोड़े अपने काम को बढ़ाना है। आपने जो सपने सोचे हैं वो सपने तो पहले महीने में पूरे नहीं होंगे, तो इसको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कैसे काम करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जिस 4 लोगों को आपने ज्वाइन करवाया, एक एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ, आपने 4 लोगों को ज्वाइन करवाया, अभी आपका विर्थ हो गया, आपने 60 कर लिया, लोगों ने 60-60 कर लिया, अब ये इन्होंने फिर 4 लोगों को ज्वाइन करवाया, तो ये आपका डेप्थ हो गया, यानी विर्थ भी हो रहा है, डेप्थ भी जा रहा है। उन्होंने 4 लोगों को कराया, ये 5 लोगों की टीम हो गई, 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 सबने 60-60 किया, तो यहाँ से आपको 300 ग्रुप PV मिल रहा है, यहाँ से भी 300 ग्रुप PV मिल रहा है, यहाँ से भी 300 ग्रुप PV मिल रहा है, यहाँ से भी 300 ग्रुप PV मिल रहा है, और आपने अपना तो किया ही 60, तो टोटल आपके पास जो ग्रुप PV हो रहा है कितना हो रहा है, 1260, यानी कि आप क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाते हैं, क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाते हैं, और आप उस पायदान पर पहुंच जाते हैं जहां से आपके सपने नजर आने लगते हैं, आपकी मंजिल नजर आने लगती है। तो ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे आप दूसरे महीने में ही चाहें, बहुत सारे लोग तो पहले महीने में भी डायरेक्टर बन जा रहे हैं, तो आप चाहें तो इस चीज को आप पूरा कर सकते हैं। Step 8, बी अ रोल मॉडल। दोस्तों आपकी टीम बनेगी, आपकी टीम के नीचे बहुत सारे लोग आएंगे,
वो आपको फॉलो करेंगे, आपको देखते रहेंगे कि हमारे अपलाइन हमारे स्पॉन्सर कैसे हैं। आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा जो आपको करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि आप उनके आइडियल होने जा रहे हैं, रोल मॉडल होने जा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहला तो है कि आपको 100% सिंसियर होना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट अगर आप ही यूज नहीं कर रहे तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपकी टीम के लोग प्रोडक्ट का यूज करें, वो भी नहीं करेंगे। तो 100% सेल्फ यूजर बने। जो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है उसको आप मार्केट से ना खरीदें, इस चीजों का आप ध्यान दें। शो प्लान डेली, प्लान रेगुलर दिखाइए। अगर आप प्लान रेगुलर दिखा रहे हैं तो आपकी टीम में भी ये काम चलता रहेगा। डेमो किट, आपके पास हमेशा एक डेमोस्ट्रेशन किट होना चाहिए जिसको हमेशा लेकर चले। डेली होम मीटिंग करें। ये सब चीजें लोग देखते हैं और उसके आधार पर आपको एक रोल मॉडल मानते हैं। ये जिन्होंने जितनी बात बताते हैं ये खुद भी करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बताते हैं और हमसे करवाते हैं, खुद नहीं करते, खुद भी करते हैं। बी अ कोच एंड मेंटर। कपड़े बहुत अच्छे पहने, ऐसे हों जो सोबर हो, कैजुअल ना हो, फॉर्मल हो तो ज्यादा अच्छा है। ये सारी चीजों का ध्यान दें। साफ सुथरे कपड़े हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। टीचेबल हो, सीखने के लिए तैयार हो, लोगों को समझाने के लिए तैयार हो, दोनों चीज के लिए हो। टाइम के पंचुअल हो, खुद भी समय का ध्यान दे, दूसरों को भी इस चीज का बोले टाइम का ध्यान देने के लिए। कभी भी अपनी टीम के लोगों के बारे में गलत ना बोले, जिसे हम लोग कानाफूसी कहते हैं, शिकायत कहते हैं, ये सब चीजें ना करें, इससे टीम टूटती है, कमजोर होती है। और मोदी केयर का जो एक सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करें। इन सब चीजों को अगर आप 10 पॉइंट्स को करते हैं तो आप एक रोल मॉडल बनते हैं और लोग आपका एग्जांपल देते हैं। उसके अलावा खुद पर भी काम करने की जरूरत है। बहुत सारे केसेस में तो पर्सनल प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपने काम किया 6 महीने, साल भर, 2 साल, लोग आपके पास आने लगेंगे, आपसे पूछने लगेंगे, सक्सेस स्टोरी जानने लगेंगे। आपको ऑटोमेटिकली स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली पर्सनल प्रोग्रेस होता है। हम इंसान हैं और इंसान की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वो हमेशा अपने आप को अपग्रेड कर सकता है, चाहे वो किसी भी एज में हो। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? आपको हर एक तरह की मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, कंपनी के इवेंट्स में जाना पड़ेगा, साथ ही साथ पर्सनल प्रोग्रेस में एक पावर प्रेजेंटर बनने की कोशिश करें। जो हमारा समीर मोदी ग्लोबल प्लान है उसमें मास्टरी हासिल करें, प्लान को अच्छे से समझें, डेमोज में मास्टरी हासिल करें, अपने अपलाइन को एडिफाई करें, अच्छे अच्छे सिस्टम टेस्टिमोनियल्स को शेयर करें, समय का ध्यान दें, इन सारी चीज़ों को करें आप। साथ ही साथ जो चीज़ें मैंने बताई शुरुआत की मीटिंग में, गो डायरेक्टर वर्कशॉप में, डायमंड वर्कशॉप में, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में, रेगुलर आए। हर एक मीटिंग में आपको कुछ ना कुछ नई बातें पता चलेंगी, कुछ नई नई चीज़ें निकल कर आएंगी जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। तो इन सब चीज़ों में समय को इन्वेस्ट करें, ये आपके पर्सनल प्रोग्रेस को बढ़ाने के काम में आता है। और दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा 10th स्टेप है वो है हमारा डुप्लीकेशन। मोदी केयर बिजनेस में अगर आप डुप्लीकेशन करने के काबिल हो चुके हैं तो समझिए कि आपका काम हो चुका है। डुप्लीकेशन का मतलब जो मैं कर रहा हूँ, जैसा मैं हूँ वही मेरे टीम के सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपने जैसे लोग तैयार करने हैं। आपको सबका लीडर नहीं बनना है, लोग मुझे देखते रहे, हर एक चीज में मेरा हाथ पकड़े, हर एक चीज में मेरा मेरे मेरे पीछे चले, हर एक चीज में हाँ भरे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको चाहिए हमारे जैसा आदमी तैयार हो जाए। मैं अगर रेगुलर होम मीटिंग कर रहा हूँ तो वो भी करने लगे, मैं अगर रेगुलर ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा हूँ तो वो भी करने लगे, मैं रेगुलर डेमोज कर रहा हूँ तो वो भी करने लगे, और जिस तरह से मैं लोगों के लिए एग्जाम्पल बन रहा हूँ तो आपकी टीम के लोग भी दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल के रूप में तैयार हो जाए। ये चीजें अगर होने लगेगी, डुप्लीकेशन होने लगेगी, तो जो सपने आपने देखे हैं मोदी केयर से वो तुरंत पूरे होंगे, जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। ये बहुत ही काम का है और मेरा आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि 10 स्टेप जो मैंने आपको बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 स्टेप है, और इसको जरूर आप लोग फॉलो करें। अपने टीम में जिन लोगों ने
नहीं ज्वाइन किया इस मीटिंग को उनको जरूर इसका लिंक भेजें, बताएं मीटिंग के फायदे के बारे में, और जब भी ब्रांच में गो डायरेक्टर वर्कशॉप होता है उसमें जरूर अपनी टीम के साथ आए। दोस्तों ये इस मीटिंग को मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ। आप लोग इस मीटिंग में आए, अपना पूरा समय दिया, अच्छे से चीजों को समझा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्रतिदिन 3 बजे नए नए टॉपिक्स के साथ हम लोग आते हैं, तो इसी तरह आते रहें। धन्यवाद।